सलमान खान और चिरंजीवी पहली बार एक साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। दोनों गॉडफादर नाम की फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 12 मार्च से महाराष्ट्र के कर्जत में होगी। वहां का एनडी स्टूडियो पहले ही बुक कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये शूटिंग जनवरी में होना था, हालांकि इसमें देरी हुई क्योंकि चिरंजीवी को कोविड हो गया था। इसके तुरंत बाद सलमान खान टाइगर 3 के अंतिम शेड्यूल के लिए शूट करने गए थे और अब सब कुछ ठीक हो गया है। सलमान खान और चिरंजीवी आखिरकार 12 मार्च से कर्जत के एनडी स्टूडियो में एकजुट हो रहे हैं। ये दोनों सुपरस्टार एक साथ एक सप्ताह का शेड्यूल होने जा रहा है। सेट अप के कुछ एक्शन और नाटकीय दृश्य होंगे। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चिरंजीवी मुंबई आएंगे तो वो किसी होटल में नहीं बल्कि सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में रुकेंगे। इसके बाद दोनों कर्जत के लिए रवाना होंगे। सलमान खान ने हाल ही में अपनी फिल्म टाइगर की शूटिंग पूरी की है। उनके साथ कैटरीना कैफ भी थी। उन्होंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया और बाकी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म की स्क्रिप्ट देखी। और सलमान खान गॉडफादर की शूटिंग के बाद अपनी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में लग जाएंगे। उनकी ये फिल्म 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी कैमियो करते नजर आएंगे। इसके अलावा बजरंगी भाईजान 2, नो एंट्री सिक्वल और किक 2 में लीड रोल निभाएंगे। फिल्मी दुनिया के अनोखे रंग, मजेदार खबरें और माया नगरी की गॉसिप्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें बॉलीवुड फ्राई।